जी हम इतने पास आ चुके हैं ताजमहल के। गुरु को भी खींचा नहीं मैंने। सुनते ही एक ही नाम आता है ताजमहल, ताजमहल ही जा रहे हैं हम लोग। तो प्लानिंग तो नहीं थी, अचानक से आ गए हम लोग। और आज मौसम भी बहुत गर्म था, मतलब वहीं से इतनी तेज धूप आई हुई थी। रास्ते का तो मैंने नहीं लिया उतना, और अब हम पहुंच ही गए हैं तो यहीं का दिखाएंगे। काफी एक्साइटेड है हम लोग, कब से मन था आने का तो पहुंच ही गए आज। और ये तो ठीक आते आते ही सो गई है, अभी कितना मिनट सो पाएगी तुम उठाना इसे कूद में। यहां तभी यहां पे बोल खाया ना, बिल्कुल बंद है ये भी। तो खाटू शाम तो वहां से लाई है दिल्ली में, हां चीज खाली है। वैसे मंदिरों की भी प्रांत सोने लगी है ना, इस कौन दिया जैसे वाले है। मैं तो समझ 8 किलोमीटर दिखा रही है यहां से, और पास है जय कामरा। अंदर 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 आए हैं रोड में, आगरा किला, ताजमहल, रेलवे स्टेशन, आगरा का घाघरा। यहाँ पे भी मतलब हाँ सही कह रहे हो, लाल सब लाल है यहाँ पे ना, सब चार रास है इस लाल मकान में। तो गाइस हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं, और मेरे लड्डू को कैसी नीनू आई है। सॉरी, गार्डन है यार ये। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर शाहजहां गार्डन के अंदर, हम एंट्री कर लिया और गाड़ी लगा ली हमने पार्किंग में, और अब हम चले अंदर को। अंदर को चलते चलते हमने देखा कि लेफ्ट साइड में कुछ दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम वगैरह जैसे ताजमहल वगैरह खाने की चीज़ें रखी। कितना होगा अंदर? अच्छा, वैसे ही निकल जाते चलते चलते। हम लोग अंदर आ चुके हैं फिलहाल, मतलब अभी है थोड़ा सा पैदल चलना है आपको। तो पीछे जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई वो भी जा रही है अंदर, दिखाती हूँ मेरे पीछे जाएगी, देखें अभी ये गई ये। तो इससे भी आप लोग जा सकते हैं, अब जब आप चल नहीं सकते हैं तो फिर आपको पैदल जाने की, सॉरी उसमें जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा पैदल चल के पता चलता है ना कि कितना है, कैसा है और क्या क्या है। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो वहाँ जो वो नहीं था, पार्क था ना, तो ये साइड में क्या है, जंगल ही होगा फिर। हाँ, तो इस तरह का है कुछ जंगल। नई नई जगह आप लोग जाते हैं तो काफ़ी लोग लूटने को तैयार रहते हैं, तो अगर किसी से कुछ पूछना भी है तो सोच समझ के पूछना चाहिए। कंडीशन हो रही है भाई, इसको पकड़ के भी तुम इतनी तेज़ी से कैसे चल दे सकते हो यार, मेरे को दौड़ना पड़ रहा है बीच बीच में, आके कहाँ पहुँच जाते हो यार। तो एक्साइटमेंट है अब लग नहीं रहा तुम्हें, देखिए जब तक गाड़ी रास्ता ढूंढ रहा हूँ यार, जब तक गाड़ी में तभी तक लग रहा रास्ता बहुत लॉकर रूम सामान घर। तो थोड़ी चीज़ें मैं बैकग्राउंड से दिखाती हूँ बैक कैमरा से। वो सामने लॉकर रूम है, वहाँ आप लोग अपना सामान रख सकते हैं। ये ले चुके हम टिकट और लगे हैं लाइन में। ये आपका एंट्री के लिए है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं, पूरी आपकी चेकिंग होती है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और आप कोई सामान अपने साथ नहीं ला जा सकते हैं अंदर को। तो हम तो आ गए हैं अंदर, बट अभी हिमा नहीं आई है, दर्शिका की मम्मी अभी भी आई नहीं है,
और ये आ गई है, काफ़ी देर इसने लगा दी आने में, पूरी इसकी चेकिंग हुई है अच्छे तरीके से, ऐसा ही लग रहा है। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अच्छा, क्या लाए हो तुम बैग में? इतना एंट्री कर ली है आपका एंट्री गेट, स्वागत है आपका ताजमहल में। तो बैग चेक हो चुका है मेरा, तो थोड़ी देर इसीलिए लग गई क्योंकि मेरा बैग चेक हो रहा था, और अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। मौसम भी आज बढ़िया रहा, वैसे ना वहाँ से तो धूप थी, धूप ही यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम, आधे में छाया, ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी है हल्की हल्की, तो सही हो रहा है ना, ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। और ये लड़की अपने पापा की गद्दी से नहीं उतर रही है। तो गाइस फाइनली हमारा भीड़ तो काफ़ी है ना वैसे। तो लो जी पहुंच गए हम ताजमहल सामने रहा। तो जी हम पहुंच गए हैं ताजमहल के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, सबके कैमरे खुले हुए हैं, सबके हाथ में फोन देख सकते हैं आप लोग, सभी को बस रिकॉर्ड करने की लगी है। और ये रहे, हम अंदर को चल दिए हैं धीरे धीरे, और कहाँ से हम आए थे वो भी दिखाती हूँ, पीछे फ्रंट और इधर से हम लोग आए थे, ये रहा सामने, और वहाँ पे लोगों की भीड़। दर्शिका घूमने आई है आज, देखो कहाँ आई है आप गेस करो, ताजमहल सामने से इतना पास है ना, वीडियो की तो दूर आ रहा है देखो ना, धीरे 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 पास आ ही गए हम, उसकी टोपी को मैं पकड़ लेती हूँ। तो आज इसका नीला पानी भी आप पास से देख लीजिए, इसका रहस्य भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको कि क्या है ये नीले पानी। स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। तो ये ब्लू इसीलिए दिखाई देता है, इसमें ब्लू पेंट किया गया है। तो आप कीजिए ताजमहल का दीदार, और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी भी दे देती हूँ कुछ टिकट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के टिकट थे बाहर पे, जो कि एक 50 रुपीज़ का था, जिसमें कि आप इसके सिर्फ बाहर का ही नज़ारा देख सकते हैं, अंदर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, जो ताजमहल का इनसाइड व्यू है। तो दूसरा जो टिकट था वो था 250 का, जिसमें कि आप पूरा बाहर और अंदर दोनों जगह जा सकते हैं। तो हमने लिया था 250 वाला टिकट, जिससे कि हम अंदर भी देखना चाहते थे कि कैसा है, और अंदर आए तो हमें फिर ये भी पता था कि आप अगर चाहें तो बाहर से 50 वाला लेके भी आ सकते हैं, और अंदर आके अगर आपका मन बदल जाता है और अंदर भी इनसाइड भी जाना चाहते हैं उसके, जैसे वो लोग गए हुए हैं ऊपर देख सकते हैं आप लोग, तो उस तरह से अगर आपको जाना है तो यहाँ अंदर आके भी आप लोग एंट्री फ़ी देके 200 देके आप अंदर जा सकते हैं। तो अब हम चल दिए हैं ऊपर, जहाँ पे होगी आपकी टिकट की चेकिंग। तो यहाँ पे हमारे साथ हुआ एक पोपट, जो कि जहाँ पे हमारी टिकट वो हुआ था, तो हमें एक टिकट और साथ में एक टोकन भी मिला था, तो मुझसे क्या हुआ, वो टिकट खो गया था, तो उसके बाद थोड़ा देर हम समझ नहीं पाए क्या करें, फिर फाइनली हम लोग अंदर आ ही गए। तो हुआ ये कि जब हमारी चेकिंग हो रही थी तो शायद वहीं पे वो गिर गया था टिकट, फिर भी हम अंदर आ ही चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रही लाइन, और इसके साथ यहाँ पे एंट्री करने के लिए आप लोगों को शू कवर चाहिए होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सबके पैरों में शू कवर, ये देखिए। तो इस तरीके से यहीं पे एंट्री होती है, तो ताकि यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो बनी रहे। देखिए आप, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और दूर से जो इतना वाइड दिखाई दे रहा है, तो आप पास से भी देख लीजिए, अब ये किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे इंडियन से ज़्यादा तो बाहर के लोग ज़्यादा हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको वीडियो में। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी ब्यूटी की, तो आप देखिए इसकी ब्यूटी को पास से, तो थोड़ा सा हस्बैंड लग रहे हैं सीरियस मोड
तो इसकी जो डिज़ाइन है ना उसमें काफ़ी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देखे गए, इतने सारे मतलब डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ये देख सकते हैं आप लोग भी पास से। ये सच में मतलब जो भी यहाँ पे आया था वो यही इनकी तारीफ ही किए जा रहा था कि इतने सारे मतलब जो ज्योमेट्री, ये देखिए आप कितने सारे इसमें डिज़ाइन दिखते थे आपको। और ये मार्बल जो है ये इसको टच करके ऐसा हो रहा था कि मतलब कुछ वो नहीं हो रहा था उसमें, जैसे हम लोग नॉर्मली दीवार को टच करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कारीगरी देखिए ज़रा, ये देखिए सब लोग टच करके देख रहे हैं। और ये रहे डिज़ाइंस, और ये चारों तरफ से ना एक जैसा ही है, चारों साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक जैसा ही दिखाई देता है, फ्रंट हो चाहे बैक हो, चारों साइड से एक तरफ। ये देखिए इसके डिज़ाइन, तो इसके जो इनसाइड है ना वहाँ पे कैमरा थोड़ा अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिक लिया था। ये देख सकते हैं आप लोग अंदर का एंट्री आ चुका है। देखा आपने कि मैं हूँ अभी ताजमहल, और इसके अंदर मैंने व्यू, इसके अंदर अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, तो मैंने जितना मुझसे रिकॉर्ड हुआ उतना मैंने बनाया है। और लेट मी शो यू बैकयार्ड ऑफ ताजमहल, सो दिस इज, लेट मी शो यू माई बैक कैमरा। तो शाम का समय है और यमुना रिवर ये रही, और इतनी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी शाम के टाइम पे, तो दिन में जो इतना धूप लगी हुई थी तो शाम को इतना चेंज हो गया मौसम, एकदम से हवाएं चलने लगी ठंडी ठंडी सी, और फिर नदी के पास तो चलती ही है हवाएं ठंडी, तो अभी यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ की हवा चलने लगी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर सब लोग इसके डिज़ाइंस को ही देखे जा रहे थे। आप भी देखिए इसको, और कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए जी अब हम चलते हैं नीचे को, और प्रॉपरली हम अपने शो के जो कवर हैं उनको रख दें। तो क्या लगा सीरियस मोड इज ऑन, यहाँ से क्या एग्जिट है, ओके बाय ताज। यहाँ से जैसे इतना वाइट दिखता है ना दूर से, वो वाइट थोड़ी है वैसे। दर्शिका को तो जैसे वो मिल गया है ना एक प्लेग्राउंड मिल गया है, वो बस दौड़ने में ही दौड़ने में लगी थी, यही तो होता है बच्चों के साथ, पकड़ते रहो इनको। तो ये है लेफ्ट साइड ऑफ ताजमहल, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पुराने टाइम में एक मतलब तहखाना टाइप का या जो भी कहना चाहें, यहाँ पे अभी दिखाऊंगी बोर्ड लगा हुआ कुछ ना कुछ। मेहमान खाना है तो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो शूट कर रहा है, कोई योगा पोज ले रहा है, सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी में ही लगे हुए हैं। आजकल यही होता है ना, कहीं भी जाओ फोटोग्राफी फोटोग्राफी। ये रहा आपका मेहमान खाना,
दर्शिका उधर खड़े हो जाओ, मैं फोटो लूं। मैं ताजमहल के सामने मेहमान खाना में और अंदर क्या है। चलिए अब निकलते हैं बाहर को। तो शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं बाहर को। काफ़ी अंधेरा सा भी हो गया है यहाँ पे, सब गायब हो गए लोग, अभी सुनसान हो गया है, सारे लोग निकलने लगे बाहर को और जितने लोग थे उतने ही बंदर आ गए हैं यहाँ पे अब, इसीलिए यहाँ पे जगह जगह में लिखा है बंदरों से सावधान। ऐसे ऐसे बेचने के लिए ऐसे पीछे लग रही है ना यहाँ पे। पचास के वो दे रही हो तो आज मेल दे दो ठीक, तुम वहां से ले आए। तो जी हम चल दिए ताजमहल से वापस। दर्शिका पेठा खाते हुए ना